हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिटी साइट। मैं हूं आरती। आज की वीडियो में हम क्लीन अप करेंगे घर पर। जी हाँ, और आपको पार्लर से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, आप इसको घर पे करके देखना। इसके पहले भी मैंने करवा चौथ पर क्लीन अप का वीडियो शेयर किया था आप सबके साथ, जिसे आप सबने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। फ़िलहाल आज हम करेंगे समर वाला क्लीनअप अपने घर पर, तो आप इसे वीक में एक बार ज़रूर किया करें। इससे आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन रहेगा, किसी भी तरह की डर्ट आपके फेस पर इकट्ठा नहीं हो पाएगी और आपको पिंपल्स वगैरह से भी राहत मिलेगी। तो सबसे पहले आपको करनी है अपने फेस की क्लींजिंग। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कच्चा दूध, तो आपको थोड़ा सा ले लेना है कच्चा दूध। एक टिश्यू लीजिए, उसको उसमें डिप करिए और अपने पूरे चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो आप दोनों साइड में देख सकते हैं कितना अंतर है। उसके बाद अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है अपने पूरे फेस को। इससे आपके फेस की सारी डर्ट निकल जाएगी और उसके बाद आपका चेहरा काफ़ी अच्छे से क्लीन हो पाएगा, जो आगे का स्टेप हम करेंगे उनकी हेल्प से। पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको लेना है ठंडा पानी और अपने चेहरे को अच्छे से धुल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सेकंड स्टेप। उसके लिए हमें लेनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी में हमें डालना है बहुत ही थोड़ा सा चावल का आटा, साथ में हम इसमें डालेंगे दूध, अच्छा सा इसका पेस्ट बनाने के लिए। यहाँ पे हम जो तीनों स्टेप कर रहे हैं उसमें सबसे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है कच्चा दूध। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करिए और अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए। फेस पर इसे अच्छे से लगाने के बाद आपको काफ़ी हल्के हाथों से स्क्रब करना होता है। जैसा कि मैंने आपको मेरी पहले की वीडियोस में भी बताया है कि हमेशा आप हल्के हाथों से ही स्क्रब करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए दबा कर स्क्रब करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जो स्क्रब वाला स्टेप होता है बहुत ही हल्के हाथों से किया जाता है। और स्क्रब आप वीक में सिर्फ 2 बार किया करें। अगर आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो आप सिर्फ 1 बार ही स्क्रब किया करें हफ्ते में। इससे आपकी जो स्किन है बहुत ही अच्छे से साफ़ होगी, जो भी डर्ट होगी वो अच्छे से निकल पाएगी और आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें स्क्रब करना है। उसके बाद अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लेना है। आप चाहें तो पानी से धुल सकते हैं या फिर आप टिश्यू की हेल्प से अच्छे से अपने चेहरे को साफ़ कर लीजिए। यहाँ पर मुझे 4 से 5 टिश्यू लग गए थे अपने फेस को साफ़ करने के लिए। तो आप टिश्यू चाहें तो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पानी से भी अपना चेहरा अच्छे से धुल सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पैक की, जो इस क्लीनअप का लास्ट स्टेप है और इसे ही आपका जो ये क्लीनअप वाला प्रोसेस है पूरा कंप्लीट होगा और आपका जो चेहरा है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आप इसे वीक में 1 बार ज़रूर करना। तो चलिए, अच्छे से फेस को साफ़ करने के बाद हम बनाते हैं पैक। आपको ना ये क्लीनअप करने के लिए कहीं भी इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके किचन में सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने फेस का क्लीनअप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, पार्लर की तुलना में 100 गुना रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो उसके बाद पैक बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन और बेसन में मैंने डाला है थोड़ा सा दूध, साथ में मैंने डाल दिया है रोज़ वाटर। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपने पूरे फेस पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 10 से 15 मिनट तक पैक को आपको अपने फेस पर रहने देना है। उसके बाद पानी से धुल लेना है। बस हो जाएगा आपका ये जो क्लीनअप वाला प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा इतना करके, और आपका चेहरा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। जब आपका चेहरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो आपको अपना फेस ऐसे ही नहीं छोड़ना है। टोनर आपको ज़रूर लगाना है अपने चेहरे पर, क्योंकि इतना सब आपने किया है तो अब अपना चेहरा बिल्कुल भी ऐसे ना छोड़ें। उसके बाद आप अपने फेस पर टोनर ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास टोनर नहीं है या फिर आप टोनर लगाना पसंद नहीं करते तो आप सिंपल सा रोज़ वाटर लीजिए, उसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है और आपका जो क्लीनअप वाला प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप जब मैंने स्टार्ट किया था वो और अभी आप देख सकते हो मेरे चेहरे में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा है क्लीनअप एट होम वाला ये आइडिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।